सबसे पहले वहाँ से शुरू करें जहाँ से आज जो है आज का दिन है, हम कल के दिन में आज चल रहे हैं, डेट बदल जाती है उससे मतलब नहीं होता हमारे को, है ना। तो वो कौन सा दिन है? वो दिन वो है जब विजय दिवस। तो विजय दिवस हुआ, हमने आपको इस बारे में कल भी चर्चा करी थी। फिर आखिर ऐसा किया कि आज फिर से दोबारा से चर्चा करी। आज इसलिए चर्चा करनी पड़ रही, कुछ लोग बड़े राष्ट्रवादी बन रहे हैं, बड़े भगत बन रहे हैं, तो ज़रा उनको ज़रा सच्चाई का एक आईना दिखा दे। और वो सच्चाई का आईना क्या है, आइए ज़रा देख लें। कारगिल विजय पर 5 साल तक मातम मनाती रही सोनिया गांधी की यूपीए सरकार, ये बिल्कुल सही खबर है, आप गलत नहीं पढ़ रहे हैं। 5 साल तक कारगिल जो विजय दिवस आज आप देख रहे हो, ये विजय दिवस कभी नहीं मनाया जाता था। ये हम जीत गए थे जो कारगिल, उसके बाद भी 5 साल तक यूपीए सरकार इस पर कुछ भी नहीं किया। यूपीए सरकार ने कोई विजय दिवस नहीं मनता था, इतनी बड़ी विजय, कारगिल जैसा युद्ध को जीतना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इसके बाद भी कोई सेलिब्रेशन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? शहीदों का अपमान क्या आपको पता है? कांग्रेस सरकार ने 2004 से 2009 तक अपने पहले कार्यकाल में नहीं मनाया था कारगिल विजय। कारगिल विजय मनाया ही नहीं इन्होंने। ये शहीदों के साथ अपमान, मतलब लिटरली आप सोचिए, लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन कारगिल विजय दिवस के रूप में नहीं मनाया गया। कोई सेलिब्रेशन नहीं होता था कि भाई कारगिल में हम जीते, इसका कोई सेलिब्रेशन मना ले, सवाल ही नहीं है। कैसे मना लें? क्यों? सरकार किसकी थी उस समय, समझिए आप, किसकी सरकार थी भाई। तो ये आज कोई पहली बार नहीं हो रहा कि कोई भी चीज़ का विरोध इसलिए करना क्योंकि सरकार मोदी की। उस समय भी ऐसे ही चलता था कि अगर कारगिल युद्ध हुआ, उसमें जीत गए, तो किसकी सरकार में जीते? उनकी सरकार में, तो नहीं मनाएंगे हम। फिर आखिर ये मनाया कैसे? ये मनाया ऐसे कि इसके बाद लेटर लिखा गया साहब 2009 को, 21 जुलाई को राजीव चंद्रशेखर जी ने लिखा, राज्यसभा में लिखा, राज्यसभा के एमपी थे, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को लिखा, और उन्होंने कहा भैया कारगिल विजय दिवस मनाया जाना चाहिए। 2009 में जब इन्होंने लिखा तो लिखा पढ़ी हुई, लिखा पढ़ी होने के बाद में ये इनका लेटर है। और इसके बाद में फिर एक आदेश आता 16 जुलाई 2010 को कि हाँ भाई, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, कि हम कारगिल विजय दिवस मनाएंगे अमर जवान ज्योति पर 26 जुलाई 2010। ठीक है भाई, तो वहाँ से शुरू हुआ। और राजीव चंद्रशेखर कौन है? अगर आपको राजीव चंद्रशेखर नहीं मालूम तो आपको राजीव चंद्रशेखर मालूम चाहिए। राजीव चंद्रशेखर जी जो हैं वो, आइए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फॉर्मर चिप डिजाइनर सेलर पॉइंट, माने कुल मिला के बेंगलुरु कर्नाटका से आते हैं और एमपी हैं भाजपा के। ठीक है, तो यानी जीत भी भाजपा ने दिलाई, उस समय भाजपा की सरकार थी। क्यों, ऐसा क्यों नहीं कह सकते? जब इंदिरा गांधी 1972 में युद्ध जिता सकती हैं, चाचा नेहरू ने जिता दिए युद्ध, और जब कांग्रेस ने आज़ादी दिला दी, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते? आप INA का आपने कभी नाम लिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कभी नाम लिया? नहीं लिया, तो हम भी ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जीत भी भाजपा सरकार ने दिलाई, उसी के शासनकाल में हुआ। और आज जो आप कारगिल विजय दिवस देख रहे हैं, उसको मनाने के लिए भी पीछे भाजपा का MP ही पड़ा, तब जाकर ये मन पाया। ठीक है, क्लियर है। तो ये विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस जो आज आप मनाते हैं, उसकी सच्चाई है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कारगिल विजय दिवस से आगे। ये एक सच्चाई आपको मालूम होनी चाहिए थी। अब आज क्या हुआ, जो पहले हो रहा था कि भाई कारगिल विजय दिवस इसलिए नहीं मनाएंगे क्योंकि मोदी के ज़माने में हुआ, सॉरी BJP के ज़माने में। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें दो एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।